काउंसलिंग सहारनपुर द्वारा कमिश्नर को नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश का माहौल खराब करने के अलावा इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया। मुस्लिम समुदाय के साथ साथ सिख, ईसाई और भी समुदाय के लोगों ने भाजपा सरकार पर सवाल उठाए। सांसद फजल रहमान ने कहा कि क्यों मौजूदा सरकार ने हालात पैदा किए हैं। हमारे पूरे हिंदुस्तान में पार्लियामेंट के अंदर जो बिल पेश करने के जरिए यह सब कुछ किया गया है, उस शहरी बिल के बारे में जिसकी मुखालफत पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, और बड़े अफसोस की बात है कि जिस तरह बिल को पेश किया गया उसमें जो मूल धारणा हमारे संविधान की है वही बदल कर रह गई। जो हमारा संविधान है उसमें सभी लोगों को आर्टिकल 14 के जरिए सबको बराबर का हक दिया गया है, और यह मौजूदा सरकार लोगों को बांटने का काम कर रही है, जिसका विरोध वह लगातार कानून के दायरे में रहकर शांतिपूर्वक तरीके से करते रहेंगे। ये आज यहाँ पर हमारा जनपद सहारनपुर के तमाम जितने गणमान्य लोग हैं, जितने जिम्मेदार लोग हैं, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के तत्वावधान में हम लोगों ने कमिश्नर साहब को और राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन दिया है। जो हमारा ये यहाँ पर CAB जो बिल आया है और उसी के समानता के अधिकार के लिए, और जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है और जो हमारा संविधान है, हम ये चाहते हैं कि ये हमारा मुल्क जो एक बेहतरीन मुल्क है और जिसके अंदर तमाम हजरात बड़े मोहब्बत प्यार से रहते हैं, तो हम चाहते हैं किसी भी ऐसे समुदाय के साथ या किसी भी ऐसी उसके साथ जो है कोई बराबरती नाइंसाफ़ी की बात ना हो, समानता रहनी चाहिए, बराबरी रहनी चाहिए, जो मोहब्बत प्यार हमेशा रहा है वही रहना चाहिए, किसी भी ऐसे काम की वजह से जिससे हमारे दिलों के अंदर कोई बात पैदा हो वो नहीं हो। उसी के लिए हमने यहाँ कमिश्नर साहब को राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया है।